तो एक प्लानिंग और एक षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे भी करके वहां पे पूजा रोकी जा सके, और उसके लिए कोर्ट के बाहर के जो हटकंदे हैं उसको भी अपनाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो पहले तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, जो लोग वहां पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी जान माल को खतरा होगा, साथ ही साथ जो पूजा हो रही है वो रुक जाएगी। द नमाजीज आर कमिंग इन लार्ज नंबर्स सो दैट दिस रूफ विच इज इन डायलिपेटेड कंडीशन कैन फॉल। सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड इफ एनी वन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड द ट्रूथ ऑफ ज्ञान व्यापी यू कैन गो थ्रू दिस बुक। जो सच है वो इस बुक में सामने उजागर करने की कोशिश की गई है, जो इसकी लीगल हिस्ट्री है, जो ज्ञान व्यापी हिंदुओं के लिए महत्व रखता है उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। माननीय विक्रम संपत जी ने बहुत ही अभूतपूर्व काम किया और मुझे लगता है ये बुक जो भी पढ़ेगा उसको ज्ञान व्यापी के सच के बारे में पता चलेगा। और इस बुक ने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को डील किया है, लीगल हिस्ट्री को डील किया है, और साथ ही साथ ज्ञान व्यापी में जो हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस हुए हैं उन सारी बातों को भी इसमें डील किया गया है। अभी चूंकि ज्ञानवापी मामला चल रहा है लेकिन हिंदू जो साइड के लोग हैं उन्हें प्रे करने की अनुमति भी नहीं चाहिए। हो रही है कि जहां पे इस समय सैलार में पूजा पाठ चल रही है उसके ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, भारी मात्रा में नमाजी आ रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है कि वो छत कभी भी गिर सकती है जिससे बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है, पूजा रुक सकती है। इसलिए हमने माननीय न्यायालय में एप्लीकेशन दी है कि वहाँ पे जो छत है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो भारी संख्या में वहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं छत के ठीक ऊपर, उनकी जो क्वांटिटी है उनको कंट्रोल किया जाए जिससे जो कोर्ट का ऑर्डर है उसकी कंप्लायंस हो सके। तो ऐसा हमने प्रार्थना पत्र कोर्ट में दायर किया है और मुझे उम्मीद है आगे आने वाले समय में उस पर हियरिंग होगी। आपको लगता है ये प्लान है? देखिए, जैसे जब से माननीय डिस्ट्रिक्ट जज का ऑर्डर आया 31 जनवरी का और इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी फैसला आ चुका है उस ऑर्डर को अपहोल्ड करते हुए, तो एक प्लानिंग और एक षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे भी करके वहां पे पूजा रोकी जा सके, और उसके लिए कोर्ट के बाहर के जो हटकंदे हैं उसको भी अपनाया जा रहा है। इसलिए हमने कोर्ट में मामला लाए लीगली रिसर्च के साथ और कोर्ट में पिटिशन फाइल की है कि किस तरह से वहां पे छत गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए जो जिला एडमिनिस्ट्रेशन है उसको डायरेक्ट किया जाए कि उसको रोके कि वहां पे छत ना गिर सके, और साथ ही साथ जो पूजा पाठ चल रही है कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में वो निर्विघ्न रूप से चलती रहे। अगर ऐसा होता है जैसे आप बता रहे तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी? नहीं, काफ़ी मुझे लगता है अगर ऐसा होता है तो पहले तो बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, जो लोग वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी जान माल को खतरा होगा, साथ ही साथ जो पूजा हो रही है वो रुक जाएगी। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय इसका संज्ञान लेगा और जल्द से जल्द आदेश पारित करेगा। और मैं बात ये भी बताना चाहता हूँ आपको, जो मैंने प्रार्थना पत्र लगाया है ऐसा सिमिलर प्रार्थना पत्र काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने भी लगाया है, तो इस समय दोनों प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में समय विचाराधीन है। सी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड इफ एनी वन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड द ट्रूथ ऑफ ज्ञान व्यापी यू कैन गो थ्रू दिस बुक। दिस बुक डील्स विद द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्ञान व्यापी, दिस बुक डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ज्ञान व्यापी, दिस बुक ऑल्सो डील्स विद द हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस विच हैव बीन अटेम्प्टेड सो फार एज ज्ञान व्यापी मैटर इज कंसर्न। सो दिस इज अ ट्रिमेंडस पीस ऑफ वर्क डन बाय ऑनरेबल विक्रम संपत जी एंड आई थिंक इट्स अ ट्रीट for all the people who want to understand the truth of Gyanvapi. So you are taking care of the Gyanvapi mosque issue, and what's your comment about the roof, what you said earlier? See, there is a precise, I think, very important thing which has developed in Gyanvapi after the order passed by the district judge of Varanasi on 31st of January 2024. After that order, it has so happened that there is a continuous attempts made by members of Muslim community who are going to offer namaz there every day. They are coming in large numbers over the said cellar so that the roof can be demolished and in turn the puja can be stopped. So these are the attempts which are made by the members of Muslim community. We have filed an application before the district judge of Varanasi wherein we have asked that the namazis must be restricted so far as their entry is concerned over the roof of the cellar, and apart from that the repair work also must be conducted in the said cellar so that puja which has been ordered by the honorable court can go on without any hindrance. So this similar application has been filed by Kashi Vishwanath Trust also. So I think in the near future this matter will be heard and appropriate orders will be passed by the honorable court. So what I understand that this is totally a pre-planned? Yeah, definitely I think this is a conspiracy to circumvent the orders passed by the Honorable Court. The Honorable District Judge of Varanasi has passed an order on 17th of January and 31st of January, and the order has been upheld by the Honorable Allahabad High Court recently. So I think that there is a conspiracy so that this puja can be stopped and the namazis are coming in large numbers so that this roof, which is in dilapidated